बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी। मैं आपको अपडेट क्या दूंगा, पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है कि जद्दा से जिज़ान की तरफ सफरनामा जारी है। अच्छा, रास्ते में अभी फिर खड़े हुए हैं आप भाइयों के साथ। ये वीडियो के छोटे छोटे क्लिप शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ वही अच्छा है, वीडियो के छोटे छोटे क्लिप शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप सऊदी अरब में एक से दूसरे सिटी के लिए सफ़र करते हैं तो रास्ते में हमें कैसी सहूलियात मिलती हैं, खाने का क्या निज़ाम है। तो अभी 12 बजे का खाना खाएंगे तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। और एक मेरे मुंह से पानी आ रहा, सॉरी। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ ली है, वो आपको दिखाता हूँ और देखते हैं, फिर आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। चले ही ताज़ा मछली, तो आप इधर से निकलेंगे ना जद्दा से जिज़ान की तरफ, तो रास्ते का आप रास्ते में आपको ऐसे मकाम बहुत मिलेंगे जहाँ पर ताज़ा मछली होगी। तो एरिया देख लें आप, ये एक छोटा सा गाँव है। सऊदी अरेबिया में ऐसे गाँव भी हैं जी। रोड है डबल बकायदा और जिज़ान की तरफ जाता है, तो इस पर भी इतना रहिए। घास आपको यहाँ पर आम मिलेगी, सब्ज़ा आम है। और उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्टर देख रहा हूँ मैं, जैसे पाकिस्तानी ट्रैक्टर होते हैं वैसे। ये देख रही मंदी टाइप चावल है, साथ में मछली फ्राई कराई है। अच्छा, फ्राई तो करवा ली है, तो बात यह है कि ये क्या चीज़ बन गई है अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रही है। ये मच्छी को बोलियो हुआ तो बस आप भाई कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं बाकी के मछली के मुतल्लिक। आपने अगर कहीं सऊदी अरेबिया में कहीं खाई है, किसी सिटी में खाई है, तो उस सिटी के हिसाब से इसका क्या जायका है। तो बाकी हम तो इस तरफ अलबज में मैंने पहली दफ़ा खाई थी, अभी इस तरफ जा रहे हैं जिज़ान की तरफ। तो अभी जायका वगैरह इसका चेक करते हैं, तो देखते हैं।